हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मॉडल सेट 5 का डिस्कशन कर रहे थे, इस वीडियो में हम लोग इसके पहले कुछ वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 12 तक हमने किया हुआ था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा पूछ क्या रहा है कि हमारे पास दो लाइन गिवन है कार्टिजन फॉर्म में, ठीक है, और बोला है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे जो लैम्डास दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए पहले एक रिजल्ट जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है। अगर कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट करके जो सम करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का, वो सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लाइंस के लाइंस लिख लेते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन इज क्या दिया हुआ है आपके पास, x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, फिर दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल्स टू y माइनस टू अपॉन में आपको दिया हुआ है 2 लैम्डा, और यहाँ पे दिया हुआ है z माइनस 3 अपॉन 2। सो डायरेक्शन रेशियोज इसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर जो हमारे नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं ये सारे इसके लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो माइनस थ्री, 2 लैम्डा और यहाँ से 2। उसी तरीके से अगर सेकेंड लाइन की बात करें, द सेकेंड लाइन इज क्या है, एक्स माइनस वन बाई 3 लैम्डा, और यहाँ से हो गया आपका y माइनस वन बाई वन, और यहाँ से हो गया आपका z माइनस 6 अपॉन में माइनस का 5। ओके, सो डायरेक्शन रेशियोज आर 3 लैम्डा 1 एंड माइनस का 5। अब हम लोग जानते हैं कि सिंस द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, सो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, जैसे ये 3 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को लैम्डा को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, ओके। सो 3 माइनस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ से अगर -9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा -7 लैम्डा और यहाँ से -10 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा λ इक्वल्स टू -10/7। तो आपका ये आंसर होगा कितना, क्वेश्चन में 13 का आंसर लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10/7। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें दिया गया है पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है एंड पी बी बाई ए दिया हुआ है, और हमको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी एंड पी ए बाई बी। तो हमें प्रोबेबिलिटी से दो रिजल्ट पता है, ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें दो रिजल्ट पता है पी ए बाई बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, एंड दूसरा रिजल्ट ये पता है हमें कि पी बी बाई ए के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, ओके। और हमें ये भी पता है पी ए यूनियन बी का क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना होता है, ठीक है। अभी चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। अब क्या क्या गिवन है, पी ए दिया हुआ है 0.4, पी बी दिया हुआ है 0.8 एंड पी बी बाई ए दिया हुआ है 0.6। तो यहाँ से आप पहले इसको लिख लेते हैं, पी ए दिया हुआ है 0.4, पी बी दिया हुआ है 0.8 एंड पी बी बाई ए दिया हुआ है वो आपका है 0.6। ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पी बी बाई ए निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से हो जाएगा 0.6, ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए की जगह लिख देंगे 0.4, तो यहाँ से आपका पहला आंसर मिल जाएगा पी ए पी के लिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका मिल जाएगा 0.24, तो ये फर्स्ट का आंसर होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें पी अभी हमें चाहिए क्या पी ए यूनियन बी के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पी ए यूनियन बी के लिए, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी के लिए अभी फॉर्मूला बताए हैं कि पी ए यूनियन बी निकालने के लिए पहले पी ए लगेगा, पी बी लगेगा और यहाँ से माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी लगेगा। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू हमें पता है 0.4, पी बी की वैल्यू पता है 0.8 और अभी ये निकला हमारा 0.24, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1.2 माइनस आपका यहाँ से हो जाएगा 0.24 यानी कि 0.96, ये हमारा सेकेंड हो गया, इसके पहले ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है। थर्ड में बोला है कि पी ए बाई बी निकालिए, तो पी ए बाई बी के लिए क्या चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी चाहिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो गया 0.,  पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना था 0.24 अपन पी बी कितना है, पी बी है आपका 0.8, तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.3 ना, ओके। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गया। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन बचेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।